शिवपुरी के विधायक शंकर घोष ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे की इलाज की मदद के लिए सहायता का हाथ बढ़ाकर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल शंकर घोष ने बच्चे की इलाज की पूरी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद से परिवार वालों में उम्मीद की किरण जगी है। सिलीगुड़ी के 33 नंबर वार्ड अंतर्गत गेट बाजार संलग्न सिंहपाड़ा के निवासी सुरजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा पंकज सिंह पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सुरजीत सिंह के परिवार में 9 सदस्य हैं। लॉटरी की दुकान चलाकर किसी तरह सुरजीत अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे जटिल बीमारी से जूझ रहा अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे। उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज सहित कई निजी अस्पतालों में इलाज के बाद भी उनका बच्चा ठीक नहीं हो पाया। शारीरिक रूप से अस्वस्थ पंकज का सही इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे बाहर ले जाने की सलाह दी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परिवार चलाने में काफी परेशानी हो रही है। इस स्थिति में बेटे का इलाज करा पाना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। তো আপনার এমনি কি কাজ, আপনার স্বামী কি কাজ করে, সংসার কি হয়েছে? তো এখন যার চিকিৎসা করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন রয়েছে, কি বলেছে বাইরে নিয়ে যেতে? বাইরে নিয়ে যেতে বলছে, বলছে অনেক টাকা লাগবে, নিয়ে যায়। কতদিন ধরে পেটের সমস্যা হচ্ছে? 3 বছর হয়েছে। इधर इस विषय की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज सुरजीत सिंह के घर पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर इलाज की पूरी व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद से परिवार वालों में उम्मीद की किरण जगी है। तो মানে চিকিৎসার মানে সূচি বন্দোবস্ত করার জন্য কোনো আশ্বাস দিয়েছেন? করছি আমরা, কিছু তো সাহায্য ইতিমধ্যেই করবো। আমাদের এখানে যারা ব্যবসায়ী সমিতি আছে তারাও উদ্যোগ নিয়েছে, আমাদের পার্টির থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সবাই মিলে এটা করতে হবে, কারণ এটা খুবই জটিল একটা রোগের কথা ডাক্তাররা মনে করছে। ফলে এই সাহায্যটা সবার কাছ থেকে আসুক, আমি যে যে প্রান্ত থেকে সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব তাদের সাথেও আমি যোগাযোগ করব।